Madre. Muchas gracias, Richard. Pues le he quedado de tu mamá. Let's have a term for this. Let him write, see you. तो हमें ये शो करना है किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई अलग कॉमन नहीं होता। प्रूफ ये है, हम कहेंगे सपोज कर देते हैं देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन इन दोनों का सेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी, और अगर ये नॉन एम्प्टी है समझ सकते हैं दोनों में कुछ कॉमन है। So there is this x and a complement. Yes. Now, can you say this is a complement? Yes. Now, can you say that is going to be a bit problematic. Why? Now, I will say as x. A में है, so by definition, x A complement में, कह रहे हैं कि x A complement में है, ऊपर तो कह के आ रहे हैं कि x और इसका complement है। And you can see from other way around, I mean, just think about it. अगर हम ये कहें, इसको assume करेंगे, x A complement में तो इससे क्या पता चलेगा x a में नहीं है, पहले कह रहे हो a कॉम्प्लीमेंट में है, फिर कह रहे हो a कॉम्प्लीमेंट में ही है, कहेंगे भाई that's important. ये अज्यूम करना the trouble making leads you towards a contradiction. पहले जो बात कह रहे हो उसी को conflict कर रहे हो बात। इसका मतलब ये है कि ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं, और अगर ये बात ठीक नहीं है तो ठीक क्या है? इस इधर की कोई मजे की कुरान भी बताओ, तो इन्हीं दिए बड़ी आसान से मजे की कुरान नतीजा जो कि आपको तीर से गायब कर सकते, तो गायब कुछ कौन बता फिर सो मतलब सर इसकी स्टेटमेंट तो बहुत बनती, मतलब इससे लिंक करती भी कैसे कैसे एग्जांपल चाहते हैं सर आप? प्रॉब्लम है क्या? इससे ही बन रही है कुछ। अच्छा मैं ये इक्वल टू यूनिवर्सल होगा सर, कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? यूनिवर्सल होल स्पेस है जी। अब सवाल ये कि ये इसी से कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, क्या मैं इसके साथ करूं कि कॉम्प्लीमेंट उसकी नेगेशन ये उसकी नेगेशन सर A union A complement is equal to whole space. Yes, sir. But if I just take complement of both sides and apply De Morgan law, De Morgan law, हमने चार डालने के लिए इस्तेमाल फिर खाना होता है ऐसे ही रखा है, उसका कोई इस्तेमाल भी करेगा नहीं हुआ, इसलिए apply De Morgan law हो जाएगा। ठीक है, ये complement is equal to universal. Is equal to what? Everything.
some examples, let's do some examples. Examples for numbers. Let's begin with a simple example. A girl, it is a proposition. It's an if M is even, or if M and R, then M is square is odd. M R over, the square with the arrow, R goes. लिख सकते हैं इसका स्क्वायर 9 होता है बात का स्क्वायर 25 होता है सो ऑन सो हाउ यू कैन डू इट दे आप किसी को समझा रहे हैं कि भाई 8 का स्क्वायर जो है वो अरे 8 नंबर का स्क्वायर 8 होता है क्या है आप सब देख रहे हैं 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 42 उन्हीं मान फिर कहता हो सकता है को आगे चल के कोई ऐसा 8 नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर 8 ना हो हमें क्या पता ये तो मिसाल है मिसालों से चीजें प्रूव करनी हो यूनिवर्सल इसके मिसाल से तो बात ओके जस्ट थिंक अबाउट इट कॉम्प्लिकेशन इज गोइंग टू हेल्प यू हम कहते हैं कि फर्ज कर दो हिंदी में क्या कहेंगे सपोज़ देखें इसके अलावा कैन यू हैव अ वे बेसिकली टू शो इट कैन यू हैव अ वे टू शो इट ओके यू कैन शो स्क्वायर डायरेक्टली फॉर एग्जांपल ठीक है एम का क्यूब जो है वो भी और कोई पावर दे ले और दो तीन पावर्स के लिए यू कैन शो इट डायरेक्टली But for higher powers, you will have no method to verify whether it is. But सारे R number भी match के check नहीं कर सकते. R number खत्म नहीं होते हैं. If someone is claiming के लिए आगे चल के तो हो सकता है आधे R number ऐसे discuss पर. These abstract methods very simply that's not possible. तो हम क्या अज्यूम करेंगे यू नो इफ फॉर एग्जांपल हम हमेशा लिखेंगे सपोज कंट्रोल थ्री ठीक है आप लिखना चाहिए था सपोज कंट्रोल थ्री कंट्रोलेशन क्या होगा अज्यूम करें so, क्या क्या अज्यूम करोगे आप इफ एम इज ऑड देन एम स्क्वायर इज इवन सपोज कंट्रोल थ्री दैट एम is odd negation if then nahi hoti negation and the statement m is odd and 7 square is even ये negation है उसको कर देंगे अगर गौर करें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है एम ऑड है एम का ऑड होने का क्या मतलब है 2 के प्लस 1 के ब्लॉक सिर्फ 2 के प्लस 1 नहीं ऐड करना फॉर सम के बिलोंग्स टू एल एम इज ऑड सो एम इज 2 के प्लस 1 फॉर सम के बिलोंग्स टू अच्छा अब जरा एम का स्क्वायर कर स्क्वायर
a plus 1 square, which is 4k square plus 4k plus 1. Can you see a trouble now? If you pull out 2 out, you will have 2k square plus 2k plus 1. हम स्क्वायर क्या आठ है तुम और ऊपर क्या 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 है पहले कैसे हुई क्या नहीं फिर आ रहा है शोज दैट आई मीन इफ यू अज्यूम अ रॉन्ग स्टेटमेंट इट विल लीड यू टू ऑलवेज समथिंग ट्रबल मेकिंग और जैसे ही कोई ट्रबल मेकिंग चीज मिलेगी को अब्सर्डिटी मिलेगी को कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ द बुक अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन दिस इज इन दिस केस अ कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट दैट m स्क्वायर इज असम्पशन Therefore, what you have assumed is not correct. This is not correct. What is correct? For instance, take it. Take the structure. That's what the essence is. Koi contradiction ka proof kar de yahi hoga chiz. Assume something, you want to show something, assume opposite, and show that this is going to lead you to something conflicting and Now let's try to make sense of that proof that you see quite often. Now, as all of that, it's very out of this. The last thing. Before that, we have been doing it without using. Taking sense, all of you can do it with a little bit. What's an irrational number? What's an irrational number? Look, P upon 2 ke form ko nahi kar sakte. Jo P upon 2 ke form mein na likha jaye. Non-terminating. Do you have any pain of food? No. Non-terminating. Of Marbar. Sometimes we have things that we don't realize that circus mein baithe sher ko pata chal jaye main kya hoon band baja lega circus mein और उसे भुला दिया जाता है कि तुम क्या हो वाला जो आ जाएगा मारेगा समटाइम्स वी हैव एबिलिटीज बट वी डोंट रियलाइज दैट Let me pose one question for you. So for irrational number, if you can't write it in Q form, it's an irrational number. If P is a Q, Q, R,
इंजेक्स यू नो पूरी बता दी चाहिए होगा कार्ड राइट इट इधर नेशनल नंबर वो है जिनको आप यू आर क्यू फॉर्म में लिख सके पी एम क्यू आर एस नाम दे ठीक है सर रेडिकल मेटाइल रैशनल नंबर्स वो है व्हिच यू कैन राइट इट इन अ प्योर टू फॉर्म एंड टू आर इंटीजर देन इक्वल टू 0 दैट्स नॉट सर ये गलत नहीं है ये डेफिनेशन गलत नहीं है मिसाल जैसे 22.7 है दूसरा इसके अलावा दूसरे भी नंबर हैं काफी सारे ये टू फॉर्म में लिखते हैं मगर वापस डेसिमल से दोबारा नहीं जा सकते नहीं जा सकते 2.7 के केस में इट्स अ रैशनल नंबर ये दोबारा डिजिट के बाद आ जाएगा ये रिपीट होता है After surgery. Anyway, bro. Is best for getting these are some of the things that I mean if you guys have questions in your head, these kind of that means the students are going to have such questions in a more something. You get a good opportunity to discuss all these things. Anyway. So जब आप definition देते हैं और जो चीज डेफिनेशन पर पूरी उतरती है पहले पढ़ा था डेफिनेशन की डेफिनेशन के अच्छा क्राइटेरिया ठीक है टू नो सम ऑब्जेक्ट डिसाइसिवली है बस ठीक है एक चीज जो इस डेफिनेशन पे फिट उतरती है वो ये है नो मैटर व्हाट हैपेंस ठीक है याद आपकी डेफिनेशन की हमने कहा पी और क्यू फॉर्म में नंबर लिख सके या रिपीट कर जाए इनफाइनाइट हियर द क्वेश्चन अगर चीज एक है तो डेफिनेशंस दो भी हैं एक ही चीज एक क्यों है दो डेफिनेशन मतलब मीडिया एक ही होगी चाहिए डेफिनेशन बस वो है बाकी जो है इट्स नॉट अ डेफिनेशन सर दो पॉसिबिलिटीज होती है शायद इस वजह से रैशनल नंबर में दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं एक टर्मिनेटिंग हो जाता है या दूसरा मेरा नुक्ता ये है कि जब आपने ये तय कर दिया कि भाई एवरी नंबर व्हिच इज ऑफ पी ओवर क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इन डिटेल्स एंड क्यू इज नॉन जीरो इज अ रैशनल नंबर देन व्हाई यू आर गिविंग दिस अनदर डेफिनेशन अनलेस यू शुड हैव अ रीजंस फॉर इट मैथ थिंकिंग में एक चीज पढ़ी है कि a thing can have you know multiple definitions ya ek definition ek tarah se agar aap define karte hain you can have another description characterization of the same thing theek hai wo dono equivalent hone chahiye yani agar koi equivalence kya ho raha hai mathematically logically equivalent yani agar ek cheez p over q form mein hai to it's either going to always terminate r और अगर एक चीज टर्मिनेट या रिपीट हो रही है तो यू शुड बी एबल टू राइट इट डाउन पी ओवर क्यू फॉर्म आई मीन इफ यू आर डूइंग इट देन दीस टू आर इक्विवेलेंट ऑफ कैसा ठीक है उसको तो सर टर्मिनेटिंग या रिक्वायरिंग दोनों कन्वर्ट किया जा सकता है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में शायद एक ये रीजन होगी तो इक्विवेलेंट कहते हैं डेफिनेशन भी एक बताया करो बाकी निशानी है जिस इक्विवेलेंट के बीच कैसे कैसे करेंगे यू नो सर अगर डेफिनेशन में बताते हैं इसका मतलब कि पी ओ बांध दिए फॉर्म एंड पी ओ साथ मार्क्स जो जो हमारे प्रॉब्लम
ये डेफिनेशन बताने के बाद जब हम कर्मुलेटिव और रिकरिंग की बात करते तो इनको क्या कहते हैं? हाँ, देखिए आप ये कहेंगे, देखिए यू हैव 1.23 सो यू डिफाइन इट बेसिकली दैट ओके एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच कैन बी रिटन एज पी और क्यू फॉर्म एफ पी एंड क्यू आर नॉट इंटीजर्स ठीक है यू कैन से दैट कि दैट्स अ रैशनल नंबर. ये रैशनल नंबर इस वजह से नहीं है कि ये टर्मिनेट हो रहा है, ये रैशनल नंबर इस वजह से है कि इसको यू लिख सकते हैं. ये रैशनल नंबर इस वजह से नहीं है कि देयर इज नथिंग स्पेशल इंटरप्रिटेशन है. ये रैशनल नंबर इस वजह से है क्योंकि यू कैन पुट दिस इनटू दिस फॉर्म व्हिच इज आवर डेफिनेशन, व्हिच इज आवर डेफिनेशन ठीक है. एंड इफ यू हैव व्हाट यू से 0.33333 सो ऑन एंड सो फॉर ठीक है. ये रैशनल नंबर इस वजह से नहीं है कि ये रिपीट हो रहा है, ये रैशनल इस वजह से है बिकॉज दिस इज ऑल द कंफर्मेशन. डेफिनेशन एक ही है कि एनीथिंग दैट कैन बी रिटन एज पी और यू आर पी एंड यू आर इंटीजर्स दैट्स अ रैशनल नंबर. बाकी रैशनल इस वजह से हैं क्योंकि आप उनको इस ये रैशनल इस वजह से है लिख सकते हैं. आप जानते हैं कि इसे कैसे कन्वर्ट इट टू अ सीरीज एंड देन यू कैन समथिंग ठीक है. रैशनल नंबर्स की एक ही डेफिनेशन, मतलब ये भी फर्क तो रैशनल से मुराद क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय रैशनल, व्हाई यू कॉल रैशनल नंबर्स रैशनल. रैशनल की लफ्जी माना क्या होगा? ये बंदा रैशनल है, मतलब फर्क हो लोग लो जो है इंटेलेक्चुअल हमारे वाले तो वो होते हैं बाद लोग लेफ्टिस्ट बड़े नेशनलिस्ट बड़े के लोग होते हैं. आप जितना उन लोगों से सीख सकते हैं जिनसे आप अग्री करते हैं उनसे नहीं सीख सकते जिनसे आप अग्री जो आपसे अग्री नहीं करता आप उनसे ज्यादा सीख जो आपसे अग्री करते दे आर नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग. से आश ना कर दे तेरे बहर की मौजों में इस तरह आपने वही तेरे जमाने का इमाम है बरह मुझे पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे अब तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे कहते है वही तेरे जमाने का इमाम है बरह जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे. Someone who is not challenging you, not challenging your fundamental first, you, whatever you are sitting on, there isn't anything challenging. This year आप पढ़ाते हुए ये सोचना कि you haven't done anything new. साल सोचा आपने कुछ भी you haven't done anything. रैशनल की एक एक मतलब जो है वो अखलियत पसंद है माकूल जो बात सब रैशनल है अकल के मुताबिक जो लॉजिक के मुताबिक कौन सी चीजें रैशनल होती है पता चल जाए कि ये माकूल है रैशनल कौन सी किन चीजों को बंदा बड़ा रैशनल है ये बात बड़ी रैशनल माकूल है बहुत अच्छा मिलता है
लॉजिक में बात नहीं करे और ऐसा होता है भाई देखे आ कहते हैं दैट ही लाइक ही और शी इज अ मैन ऑफ और वुमन ऑफ प्रिंसिपल भी मैन ऑफ प्रिंसिपल इसे पता है यार ये करना है मुझे यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग रैंडम फ्रॉम हिम चलता है उसूलों के मुताबिक वो जो चीजें जो कुछ उसूल फॉलो करती है उसूल फॉलो करती है जिसका आप to which you can make sense of them, ठीक है ना? एक चीज है random और एक चीज है, for example एक है coin का toss करना और एक है population का grow करना. You know that population grow is, see क्या आज इतनी है, 10 साल बाद इतनी हो जाएगी, 20 साल बाद इतनी हो जाएगी, अरे but you know coin toss कर रहे हैं you will know what's gonna happen anyway so नुक्ता ये है बुनियादी तौर पर वो तमाम चीजें जो किसी principles को follow करती हैं तो वो rational हैं क्यों क्योंकि फिर उन principles के तहत उनको समझना आसान देखिए आपके पास है 1.23 पॉइंट के बाद इस 1.3 का 3 का 10वां डिजिट कौन सा है 3 हो 10वां डिजिट 1.23 का पॉइंट के बाद 10वां डिजिट कौन सा 0 50वां 0 5वां 0 सो इट्स लाइक इट्स समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड फुली 0.33333 इसका 10वां डिजिट कौन सा 3 इसका 50वां डिजिट कौन सा होगा यू कैन मेक सेंस ऑफ देम यू कैन मेक सेंस ऑफ देम यू कैन अंडरस्टैंड देम यू कैन प्रेडिक्ट अबाउट देम इरेशनल क्या होता है जो रैशनल ना कुछ नहीं पता क्या होता है जिसको हम समझ पाए कुछ नहीं पता आप नहीं कह सकते कि 10वां डिजिट कौन सा होगा जब तक आप जान न लें पहले 10वां जान लिया 50वां बताएं क्या होगा बिकॉज दे डोंट फॉलो अ पैटर्न है सच्चा 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 तो आप क्या मालूम किया था क्या मालूम किया क्या मालूम किया क्या मालूम पढ़ा था क्या मालूम किया क्या मालूम किया था क्या मालूम किया जिसको हम पहचान नहीं सकते उसे इरेशनल नहीं कहेंगे मगर एक बंदा जिसके साथ आप रहे हो ठीक है साल हा साल और यू स्टिल कांट मेक सेंस ऑफ इट भाई चाहता क्या है एक पैटर्न नहीं है ये रैशनल इस वजह से नहीं है कि ये रेशो है ये रैशनल इस वजह से है कि यू कैन मेक सेंस ऑफ दीज नंबर्स और वो जो नंबर्स इरेशनल है दे आर इरेशनल बिकॉज यू कांट मेक सेंस ऑफ देम You don't know what's coming. ठीक है? बुझा के बात थोड़ी थोड़ी थी। देखें, mathematics ही साथ लिखते हैं। वो अपने ख्यालात लिखते हैं बस सुंदर शाम। कोई unnatural चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि और रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन एक ही होती है p upon q and p and q are
integers and zero, not zero. That's it. But yet repeating and terminating, they are not rational because they are repeating and terminating. They are rational because you can write them in. Yeah.